आईसीसी के ताजा रैंकिंग में शुभमन गिल ने 945 दिनों बाद बाबर आजम को पीछे छोड़ते हुए ओडीआई की नंबर वन रैंकिंग हासिल कर ली और मोहम्मद सिराज ने भी अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण कि अब बॉलिंग के बादशाह बन चुके हैं और टीम इंडिया ओडीआई की नंबर वन है ही, इसलिए ये वर्ल्ड कप हमारा है।